नमस्कार, मैं हूं कुलजीत यादव और आप देख रहे हैं नेशन स्टार। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 106 रनों से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बढ़त बनाई है। टीम इंडिया के लिए मैच में यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन खेल दिखाया। यशस्वी ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा तो बुमराह के खाते में दोनों पारियों को मिलाकर 9 विकेट आए। इसके अलावा लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल ने भी शतक जड़कर अपनी उपयोगिता को साबित किया। वहीं गेंदबाजी में बुमराह के अलावा रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने भी अपनी अपनी छाप छोड़ी। ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि टीम ने दूसरे टेस्ट में हर विभाग में अपना दम दिखाया, लेकिन इसके बावजूद तीसरे टेस्ट मैच से इन 3 खिलाड़ियों की टीम इंडिया से छुट्टी हो सकती है। मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैचों में लगातार फेल हो रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी अय्यर के बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली। दूसरे टेस्ट में अय्यर को दोनों पारियों में अच्छी शुरुआत भी मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। इस मैच में उन्होंने 57 रन बनाए। वहीं पहले टेस्ट मैच में उनकी हालत बेहद खराब रही। पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अय्यर 48 रन ही बना सके। ऐसे में अब श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया से छुट्टी तय मानी जा रही है, क्योंकि तीसरे टेस्ट मैच में केएल राहुल वापसी करने वाले हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज केएस भरत को भी दूसरे टेस्ट मैच से बाहर किया जा सकता है। भरत लगातार बैटिंग में रन नहीं बना पा रहे हैं। अगर उनकी बल्लेबाजी की बात करें तो भरत को पिछले साल टीम इंडिया में डेब्यू का मौका मिला था। तब से वे 7 मैच खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 20 की औसत से 221 रन बनाए हैं, जिसमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं है। इस निराशाजनक पारी के कारण अब शायद भारतीय टीम मैनेजमेंट उन्हें स्क्वाड में शामिल न करे। वहीं तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की भी तीसरे टेस्ट मैच से छुट्टी हो सकती है। मुकेश को दूसरे टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला था, लेकिन वे सिर्फ 1 ही विकेट ले पाए थे। वहीं कोच राहुल द्रविड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे स्पिन फ्रेंडली नहीं बल्कि तेज पिचों पर लोहा लेने को तैयार हैं। ऐसे में मुकेश की जगह तीसरे टेस्ट में मोहम्मद सिराज की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है।